A top story, two minor children in UP's Badayu were murdered by their neighbor at their home on Tuesday, sparking tension and violence in the city. The man allegedly killed the two children over a dispute with their father, but this needs to be further investigated. Now, the alleged killer, Sajid, ran a barber shop opposite the victim's house and knew their father, Vinod. On Tuesday evening, he visited their house ostensibly to borrow money, but when Vinod's wife left the room to make tea, he attacked their three children, allegedly killing and then he killed two of those children. The third managed to escape. Sajid then managed to escape from the house. Now, the double murder sparked tension in the city, with residents setting the barber's shop on fire. Police say the accused fired at the police and was killed in retaliatory fire. One policeman was also injured in this encounter. The accused was aged between 25 to 30 years. यूपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखांग रहने वाला है और दो बच्चों की हत्या हुई। इसमें खून से लथपथ वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। हमारी टीम जब महसूस जी और लोकल थाने पुलिस पीछा किया तो पहुंची है। उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाई फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाई फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए जाइए बिहार, तो क्या करना मुझे इससे, पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज़ तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाली तो सही है, क्योंकि चोट लगा, थोड़ा चोट लगी है हाथ में, वो दूसरे घर में है। Let's go across to Mukesh now for more on this story. And Mukesh, absolutely horrifying. These two children murdered by the neighbor. What more details are available? And also, the man was killed in an encounter. देखिए, जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है, मैं वहीं पर हूँ और मेरे पीछे जो आरोपी साजिद था, उसकी ये दुकान है। साजिद पेशे से नाई था। साजिद और जावेद उसका भाई था। इस घटना के बाद लोगों ने इस दुकान से पूरा सामान निकालकर कल बाहर जला दिया था और साजिद जो है वो यहीं पर अपना काम करता था। पुलिस के मुताबिक कल शाम को करीब 7:45 बजे साजिद अपनी इसी दुकान से निकलकर, सामने ये जो मकान दिख रहा है आपको, ये मकान है विनोद कुमार का और उनकी पत्नी संगीता का, तो वो यहाँ से निकलकर इस मकान में पहुँचा और मकान पर पहुँचकर उसने संगीता से कहा कि उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है और उसको 5,000 रुपये की ज़रूरत है। इसके बाद संगीता ने अपने पति से बात की, विनोद से। विनोद उस वक्त घर पर नहीं थे। विनोद ने कहा कि ठीक है, पैसे दे दो। इसके बाद साजिद ने संगीता से कहा कि वो चाय बनाए। संगीता चाय बनाने के लिए चली गई। इसी बीच साजिद ने, जो संगीता का सबसे बड़ा बेटा था आयुष, जिसकी उम्र 13 साल थी, और सबसे छोटा बेटा आहान, जिसकी उम्र करीब 6 साल थी, दोनों बच्चों को लेकर वो पहली मंजिल पर गया। पहली मंजिल पर सामने ये पार्लर है। इस पार्लर को दोनों बच्चों की माँ संगीता चलाती हैं। पार्लर पर जाने के बाद वो यहाँ से ऊपर गया, जो दूसरी मंजिल है, जहाँ पर वो सामने कुछ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पर जाकर उसने आहान और आयुष को चाकू निकालकर दोनों को ताबड़तोड़ हमले किए और उन दोनों को मार दिया। इसी बीच जो उनका एक और बेटा है पीयूष, जो कि बीच वाला बेटा है, वो ऊपर पहुंच गया और साजिद ने पीयूष पर भी हमला किया। हालांकि पीयूष किसी तरह से वहां से निकलकर भागा और वो घायल हो गया। उसने नीचे आकर अपनी माँ और दादी को बताया कि जो साजिद है उसने दोनों भाइयों की हत्या कर दी है। इसके बाद घर वालों ने शोर मचाया, यहां पर लोग इकट्ठा हो गए। साजिद यहां से निकलकर भागा, जावेद बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन लोगों ने साजिद को मौके से पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि जावेद, जो उसका भाई है, वो यहाँ से निकलने में कामयाब रहा। पुलिस साजिद को लेकर आगे गई और पुलिस का दावा ये है कि आगे जाकर साजिद ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें साजिद मारा गया। तो अब तक जो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस के मुताबिक अब तक ये साफ नहीं है कि इस हत्याकांड के पीछे क्या मोटिव है, क्या मकसद है, लेकिन जिस तरह से दो मासूम बच्चों को मारा गया है, जो पूरा इलाका है, जो पूरा समाज है, वो काफ़ी सदमे में है, क्योंकि जो मासूम बच्चे हैं उनका क्या कसूर होगा, उन्हें क्यों मारा गया। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात भी करते हैं कि आखिर इस पूरी घटना से वो किस तरह से दुखी हैं। मैडम,
मैडम ये बताइए कि जो पूरी घटना हुई है, क्या लगता है कि मोटिव क्या होगा, क्यों मारा है इस बच्चों को? सर इसके में तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या हुआ है। पड़ोस में सामने दुकान थी इसकी और यहाँ आया, क्लेचर मांगे उनसे, ब्यूटी पार्लर से क्लेचर मांगे, फिर दो बच्चों को बोला भाभी मुझे चाय पिला दो, मेरा सर घूम रहा है तो ऊपर ले गया दो बच्चों को, वो जब तक चाय बनाती थी तब ऊपर एक बच्चे को ले गया, दूसरे बच्चे को भेज दिया नीचे पानी लेके आ जाके, तो तब तक एक बच्चे का कांड कर दिया उसने, दूसरा गया उसको भी पकड़ लिया, तीसरा जब गया उसने देखा तो वो भाग के आके माँ को बताया उसने। अब इसका राज कह नहीं सकते क्या राज है, कैसे हुआ है इसके बारे में नहीं कह सकते। खून लगा हुआ था बच्चों, अब बच्चों को खून लगा था, जब नीचे आया है सबने गेट बंद कर दिया तो ऐसे खून झड़ रहा था। लेकिन पूरी घटना से पूरा समाज जो है एकदम से, पूरी घटना ने समाज को झकझोर दिया है पूरी घटना ने। सब बिल्कुल भाई बहुत खतरा गलत हुआ है, दुखद घटना है इस बच्चे के बारे में कि दुश्मनी थी तो बड़े से किसी से करते, इन बच्चों के ना वाले बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि शायद है कि पूरा मोहल्ला पूरा हर जगह से आदमी इतना परेशान है। तो बिल्कुल आप देखें कि यहाँ पर आसपास के लोग, पूरे शहर के लोग, समाज के लोग बेहद दुखी हैं, हर किसी को इस घटना ने झकझोर दिया है। लोग यही कह रहे हैं कि आखिर मासूम बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी होगी, बच्चों को क्यों मारा, अगर दुश्मनी थी तो बच्चों के माँ बाप से वो बात करता, उनसे कुछ करता, लेकिन बच्चों को मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। पुलिस जाँच कर रही है, पुलिस के मुताबिक जो आरोपी का भाई जावेद है उसकी तलाश की जा रही है, दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम हो गया है, दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार हो गया है और पुलिस ने घर वालों से बात की है और जिस तरह से कल घटना हुई उसके बाद आसपास के लोगों ने यहां दुकान का सामान निकलकर बाहर जला दिया, इलाके में तनाव था, तो ऐसे में इस पूरी घटना को कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देकर इसमें बवाल करने के मूड में थे, लेकिन पुलिस ने इसको देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो जवान है सुरक्षा बल उनको तैनात किया है ताकि यहाँ का माहौल खराब ना होने पाए। जी ऑल राइट, थैंक यू सो मच मुकेश, रिपोर्टिंग फ्रॉम द स्पॉट वेयर दिस हॉरिफिक मर्डर टुक प्लेस इन वेयर अ नेबर किल्ड टू चिल्ड्रन, मैनेज्ड टू एस्केप, ही वाज फाइनली किल्ड इन एन एनकाउंटर।